अस्सलाम वालेकुम वर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आपके सामने, वो है मखंडी हलवा। मखंडी हलवा बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हम देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक कप सूजी है, जो मेजरिंग कप होते हैं उससे मैंने ये नापा है, और उसी से मैंने ये 2 कप दूध लिया है। 1.5 कप चीनी की ज़रूरत पड़ेगी और 1.5 कप हमने घी लिया है। यहाँ हमारे पास छोटी इलायचियाँ हैं, 5 अदद इलायचियाँ हैं। जिस चीज़ से आप नाप रहे हैं, किसी भी कप से आप नापें तो उसी कप से आप सूजी लें, उसी कप से आप दूध नापें, उसी कप से चीनी और घी नापें। ये मेरे पास, ये देखें, मेजरिंग कप है। मैंने इससे हर चीज़ नापी है ताकि हम जो चीज़ बनाएं वो हमारी परफेक्ट बने। तो इसको मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सूजी के अंदर दूध डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 कप दूध है और 1 कप हमारे पास सूजी है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको दूध में भिगो के रखना है। तकरीबन आप आधा घंटा इसको भिगो कर रखें। इसको हम भिगो देंगे, इसके बाद फिर हम बनाना शुरू करते हैं। अभी हम इसे छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने कढ़ाई ले ली और बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इस घी को गरम करना है। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। इस हलवे में बहुत ही हमें आराम से, तहम्मुल से काम लेना होता है, तभी हमारी चीज़ अच्छी बनती है। अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच में बनाएंगे तो ये हलवा कड़वा हो जाता है। इस बात का हमने ख्याल रखना है, घी गर्म हो जाए। साथ ही हम ये इलायचियाँ डालेंगे इसमें। इलायचियाँ थोड़ी हमारी ज़रा सा कड़कड़ा जाए, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। और चीनी को भी हमने बिल्कुल हल्की स्लो फ्लेम पर हल्के हल्के हमने इसको गोल्डन कलर पे लेकर आना है। सारा काम ही हमारा ये चीनी का काम होता है। ये हलवा जो बनता है इसमें ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाते इसको, इसको बहुत ही स्लो आंच पे हम लोग बनाएंगे। इलायची की खुशबू आने लगी है। अब मैं ये चीनी डालती हूँ। मैंने 1.5 कप ली है, आप 1.5 से 2 कप भी ले सकते हैं अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है। अब बस हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है, हाथ नहीं रोकना हमने, ताकि चीनी नीचे ना लग जाए। और आंच हमने बिल्कुल स्लो रखनी है, स्लो आंच पे इसको हमने पकाना है। और मैं बताऊंगी किस पॉइंट पे हमने इसमें सूजी डालनी है, जो हमने दूध में भिगो के रखी है। ये देखें, चीनी ने अपना कलर तब्दील करना शुरू कर दिया है। आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल हल्का हल्का ये गोल्डन हो गया है। इसी तरीके से मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चीनी भी हमारी नीचे ना लगे और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त सा आ जाए। ये देखें, चीनी हमारी अब ये कैरेमल हो रही है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा रंग तब्दील हो रहा है। अभी हमने इसे और पकाना है। इसे पकाने के लिए, हलवे को पकाने के लिए आपको पेशेंस रखना है ताकि आप आराम से इस हलवे को बना सकें। ये देखें, मैं तकरीबन 15 मिनट से इसी तरीके से चम्मच चला रही हूँ। और वुडन स्पून का हमने इस्तेमाल करना है, इससे नीचे कोई चीज़ लगती नहीं है। जब हम यूँ घुमाते हैं, इसे फेरते हैं, कोई और आप अगर चम्मच लेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। ये देखें, इस तरीके से हमने पकाना है। और अभी इसमें मज़ीद कलर आएगा, बहुत अच्छा सा कलर जब आएगा ब्राउन, फिर हम उसके अंदर सूजी डालेंगे। अभी दूध और सूजी हमने उसमें मिक्स करके रखी हुई है। मैं बताऊंगी किस पॉइंट पे हमने डालना है। ये देखें, अब ये ब्राउन कलर आ गया और घी भी चीनी ने छोड़ दिया है। इस पॉइंट पे हमने ये सूजी और जो दूध हमने रखा था, जो सूजी ने दूध को एब्जॉर्ब करके रख लिया। ये देखें, अब हम ये इसके अंदर डालेंगे। ये हमने ध्यान से काम करना है, मुसलसल इसका चम्मच हमने चलाना है, चम्मच नहीं हमने रोकना। सारा हमने सूजी और दूध डाल दिया और ये देखें कैसे टॉफी की तरह ये हो गया है। इसको अच्छी तरीके से चम्मच चलाते रहना है हमने। और कलर बहुत ज़बरदस्त आया है, इससे ज़्यादा कलर नहीं हमने करना। और ये बहुत मज़ेदार हलवा बनता है।
मुसलसल चम्मच चलाना है और ये देखें इसमें ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आया इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। और चूल्हा जो है हमने फ्लेम अपना बिल्कुल स्लो रखना है, इसको हमने तेज़ नहीं करना, बिल्कुल स्लो आंच पर ही हमने पकाना और मुसलसल इसको हम चलाते रहेंगे। और आप इसमें घी देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये घी ज़्यादा है, ये घी ज़्यादा नहीं है, इसी तरीके से इस हलवे में डाला जाता है और इसी तरीके से पकाया जाता है। ये देसी घी में हलवा हम बना रहे हैं, आप देसी घी में बनाएं, डालडा घी में बनाएं, आपकी च्वाइस है, जिस तरीके से आप लोगों को अच्छा लगे। अब इसमें हमने ये बादाम पिस्ते और मैंने काजू यहाँ काट के रखे हैं मोटे मोटे, कुछ हम इसके अंदर डाल देंगे और कुछ हम बाद में अपने डेकोरेशन करेंगे, इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखें हलवा हमारा तैयार हो गया है और हलवे ने बर्तन भी छोड़ दिया, ये देखें, और जितना भी घी था इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, ये हमने निकाला नहीं, इसी के अंदर ही है घी। इस तरीके से आप लोग भी बनाएं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह हलवा हमारा मखंडी हलवा तैयार है और अब इसके ऊपर हम ये बादाम पिस्ते काजू जो है वो हम डालेंगे और मज़ेदार सा ये हलवा तैयार है। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बनाना बताया है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि जब आप घी के अंदर चीनी को पकाएं तो वो ज़्यादा काली ना हो, उससे फिर हलवा कड़वा हो जाता है। अब ये हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा बना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो आप मेरी रेसिपी को शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ, बहनों के साथ और बेटियों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनके मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे आने का मौका दें। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए रेसिपीज लेकर आती हूँ, आप भी मुझे थोड़ा सी मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करें। इसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाता, सिर्फ सब्सक्राइब के ऊपर आपने क्लिक करना है और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले देखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।